दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी देखने दीपिका पादुकोण थिएटर पहुंची। डंकी का फिलहाल पूरे देश में काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ है। वहीं दीपिका पादुकोण भी शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखने जाती नजर आई और शाहरुख खान हिरानी तारीफ भी करती हैं कि ये फिल्म जवान पठान से भी अच्छी है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डंकी दुनिया भर से लगभग 500 से 600 करोड़ की कमाई कर सकती है और इससे आगे भी जा सकती है। फिल्म का कंटेंट काफी दमदार है और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा में तो डंकी का काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। फैमिली ऑडियंस को ये फिल्म काफी अच्छी लग रही है, इसलिए फिल्म का कलेक्शन भी सही हो रहा है। अगर हिंदी नेट कलेक्शन में ये फिल्म 300 करोड़ कर लेती है तो विदेशों से भी इतनी ही कमाई होगी और ये फिल्म 800 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी तक कोई बड़ी फिल्म नहीं है, इसलिए डंकी के पास पूरा महीना है। उसके बाद ऋतिक रोशन की फाइटर रिलीज होगी, तब तक डंकी अच्छा कलेक्शन कर लेगी। फिल्म की पहले झलक ने ही दिखा दिया है कि शाहरुख खान एक्टिंग के बादशाह है और वो किसी भी तरह फिल्म में किरदार को पकड़ कर रखते हैं। बाकी डंकी की कहानी ही इसकी ताकत है और फिल्म भी काफी मस्ती वाली नजर आ रही है। अब सालार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। सालार और डंकी की जबरदस्त टक्कर के बीच पूरा सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और थ्री इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी, तो जाहिर की बात है डंकी भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। हालांकि सलार शुरुआत में अच्छी कलेक्शन करेगी क्योंकि एक्शन फिल्म है, उसको प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है, लेकिन डंकी एक लंबी रेस का घोड़ा नजर आ रही है। लाइफ टाइम में डंकी बहुत ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, डंकी का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है और हिंदी मार्केट में डंकी सुनामी लेकर आ रही हैं। कमेंट्स में जरूर बताना डंकी या सालार किस फिल्म की स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिल्मों की अपडेट मिलती रहेगी।